योगी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, कहा पूरी करे मांग। यूपी की योगी सरकार द्वारा बंद कराए गए अवैध बूचड़ खानों की वजह से बेरोजगार हुए परिवारों की मुस्लिम महिलाओं ने इलाहाबाद में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने शहर के अटाला इलाके के स्लाटर हाउस के बाहर सड़क जाम कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया। सड़क जाम करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने इस मौके पर कहा कि पिछले दो महीने से स्लाटर हाउस बंद होने से तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने भुखमरी की दिक्कत पैदा होने लगी है। सरकार को चाहिए कि बंद पड़े स्लाटर हाउस को लीगल करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें और इन्हें लीगल किए जाने तक वहां से जुड़े रहे लोगों के रोजगार के वैकल्पिक इंतजाम किए जाए। महिलाओं के प्रदर्शन करने व सड़क जाम किए जाने से ट्रैफिक जाम हो गया और इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि योगी सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करेगी, वह इसी तरह लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेंगी। महिलाओं का कहना है कि रोजगार छीनने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें घर चलाने व बच्चों को पालने में हो रही है। करीब घंटे भर हुए हंगामे के बाद पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जाम को खत्म कराया। गौरतलब है कि योगी सरकार के अस्तित्व में आते ही इलाहाबाद के दो अवैध बूचड़ खानों को नगर निगम और पुलिस ने साझा कार्रवाई कर बंद करा दिया था। इन दोनों बूचड़ खानों से सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। बूचड़ खानों में ताला लगने से इससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।